हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। अज आपां इस गड्डी दी पावर विंडो जो ठीक करांगे, मतलब कि इहदा जो चैनल खराब है वह आपां चेंज करांगे। तो आपां इस पहलां गत्ते नूं कीमें खोलांगे, एक स्क्रू इत्थे नीचे लगा होया ये ओपन करांगे, तो दो स्क्रू है हैंडल वाले, ये कैप उतार के इहदे विच लगे हुए ने, दो स्क्रू वो खोलांगे, तो एक स्क्रू आ साइड ते लग्या होया, तो एक स्क्रू इस तरह बिल्कुल आ नीचे लग्या होया, ठीक है जी। तो ये स्क्रू खोल के आप इन बाहर कढ़ा, बाहर कढ़ के फिर आप मकैनिकल जो आप मतलब कि चैनल है चैनल में चेंज करा जी। तो इस चीज़ में थोड़ा जहा अगे वाला इस तरह करके थोड़ा अगे नू करके तो इनू खोल देना, आप इस तरह बाहर आ जूगा, थोड़ा इन्हों अगे करके खोलना पैंदा, ठीक है जी। तो आप हम इहदा गत्ता पट्टदे आ जी, चला इस तरह घुमा के थोड़ा जिहा तां इह बाहर आ जाऊगा। इह ग्रिप साडा पहली खुला होया सी, ते लो हुण आपां इहदी करदे आ विंडो खोल लिया। दो ए बोल्ट खोलांगे जी, एक ही दे नीचे लग्या होया बिल्कुल ए वाला, ते तीन बोल्ट ए मोटर वाले, एक दो एक तीन, ये आपां खोल के ये मकैनिकल बाहर कढ़ांगे। दो नट इत्थे भी लगे होंगे शीशे वाले, इत्थे तो शीशा इन्हें हैंग किया होंगे पर ये नट लगे नहीं हुए है, तो शायद उन्होंने पहले ही खोले हुए है। तो पानी नूं मशीन बाहर कढ़ लाँगे जी, इस तरह बाहर कढ़ लाँगे। तो ये वाली दिक्कत है, देखो इसकी जो वायरिंग है सारी खराब हो चुकी है, तो आप मतलब मकैनिकल आप लिया हो नवा पा देंगे, तो मोटर साड़ी आई चलूगी, तो आप सारा नवा चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये वाला असी पार्ट नवा लिया हो जी, ये साडा आया है 400 रुपये का, तो आप वाली मशीन मैं खोल के दसदा तुम्हें अपने करता जिसमें खोल इन साइड का खोले खोले पाड़ दे। बार बार ये वाला आप नवा पाता करें, तो ये वाली मोटर खोलेंगे, तीन स्क्रू एक दो तीन खोल के मोटर जो है ये लगा देंगे, लगा के इन आप फिट कर देंगे इंस्टॉल कर देंगे। स्क्रू खोले मोटर पासे रख, दूजी इस फिट कर मोटर, आपां मोटर इंस्टॉल कर चुके हैं जी। देखो मोटर वही पुरानी वाली लग गई साड़ी, तो चैनल साडा नवां है, तो आपां इहनूं इंस्टॉल करके हुण चला के देखदे आं। सब तो पहले आपां थोड़ा डाउन कर लाँगे इस तरह, ताँ कि नीचे करांगे बिल्कुल थल्ले नूं, उदों ही इत्थे लगेगा, ठीक है जी। हो गया,
ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋ ਨਾਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲੋ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਸਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਹੀ ਅਤੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ